17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथियों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मौत का दिन तो माने और महादेव ने तय किया है। जिस दिन मेरी मां चाहेंगी, महादेव चाहेंगे, उसी दिन तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन उन्होंने मेरी मौत का समय और दिन तय करा है, उससे एक सेकंड पहले ना मुझे कोई मार सकता है और उसके एक सेकंड बाद ना मुझे कोई बचा सकता है। मैं दुनिया के सारे मौलानाओं के चरणों में केवल एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के, सारे फिरकों के मौलाना उस दिन जामा मस्जिद जरूर पहुंचे ताकि सबसे साथ मिलकर एक ही बार में, क्योंकि मैं देखता हूं उनके बस की और तो कुछ है नहीं। अब मैं खुद जामा मस्जिद आ रहा हूं। जितना भी आपका ज्ञान विज्ञान शास्त्र है सब लेकर आइए और एक दिन में ही बात को क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है उसी के लिए आप हमें तन सर से जुदा, सर तन से जुदा क्या है, फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हम आपके नबी की आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहे, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके नबी से। हम तो जिक्र नहीं करना चाहते आपके नबी का, लेकिन फिर भी जो सच है वो बोलना पड़ता है। आप लोग हमारे देवी देवताओं का कितना अपमान करते हो, झूठी बकवास करते हो, और जब हम सच बोलते हैं केवल तब आप ये बातें करते हो। तो भैया, सारे मौलानाओं, सारे इस्लाम के धर्मगुरु आपसे निवेदन है, 17 जून 2022 आपकी जुम्मा की नमाज के बाद मुझे जामा मस्जिद में मिलिए, वहीं बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफा, अम्मा बाद। اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا। हजरात, आज मेरी हाजिरी आपके सामने एक खसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं, उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाजियाबाद का रहने वाला यती नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलून ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल कर के बाहर आ जाए, कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडी गार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है, इंतज़ार होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं भी तनहा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले उस पाखंडी को, मैं कहता हूं उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे, बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में। और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप
फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अजीज मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहां तमाम लोगों से भी कहता हूं, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने, इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब देखी हुई है। जो एतराजात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराजात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह ये फकीर जवाब देने के लिए तैयार है। और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख, इस पाखंडी ने कहा है हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।